भागलपुर के कचहरी चौक पर एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मी का मोबाइल गुम हो गया। वो चर्च के पास आकर गोलगप्पे खाई, चाट चौमिन खाई और तब तक सातीर चोर ने उस महिला का मोबाइल ही गायब कर दिया। महिला के मोबाइल गायब होते ही घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। महिला ने मोबाइल चोरी की बात थाने में दर्ज कराई। साथ ही महिला ने बताया कि मेरा मोबाइल काफी कीमती था और वो वीवो कंपनी का था। हम यहाँ पे आए थे क्रिसमस का मेला देखने के लिए और यहाँ पे फिर मैं पानी उनी पीने लगी और गोलगप्पा भी खाए। इसके बाद जो है गोलगप्पा कहाँ खाए सर, हमारे पास तो नहीं खाए। और पॉपकॉर्न लिए, पॉपकॉर्न वाले के दुकान के पे मोबाइल रखे और मोबाइल मेरा वही लेके निकल गया। जब तक मैं हम आए तब तक मैं मोबाइल लेके मेरा चला गया। मोबाइल यहाँ भूल गए क्या? मोबाइल हम उसके रेहड़ी पे छोड़ के चले गए हैं, भूल गए। लेकिन जब तक मैं फ़ोन किए, 50 कॉल किए, उठाया नहीं फोन। जब तक मैं यहाँ आई तब तक मैं वो निकल चुके। कौन सा मोबाइल था? वीवो था, वीवो 33 था। कितना का था? अंदाजा मेरा 16-17 हज़ार का था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण कुमारी है। क्या है? पोस्टेड है? हम पोस्टेड रानी तालाब में हैं। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता चला जा रहा है वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। हर पार्टी अपने अपने दल को मजबूत करने के लिए कई हथकंडे अपना रही है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो या राजद हो या फिर कोई अन्य पार्टी। सभी अपने दाव आजमाने से बाज नहीं आ रहे। इसी बाबत आज सैयद शहनवाज हुसैन ने भी एक बड़ी बात मीडिया के सामने रख दी, जिससे राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई। अपने भागलपुर दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने भाजपा और जदयू के बढ़ रहे नजदीकियों के कयास को विराम लगाते हुए कहा कि अब भाजपा और जदयू कभी एक नहीं हो सकते। शहनवाज हुसैन ने इस दौरान जदयू राजद इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने शराबबंदी कानून पर भी सवाल या निशान खड़े किए। और कुछ क्या कहा सैयद शहनवाज हुसैन ने, आपको दिखाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी को तो सम्मान जो बीजेपी ने दिया है वो राजद के लोगों ने तो कभी वो सम्मान नहीं दिया। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, जदयू और भाजपा अब नदी के दो पार्ट हैं, एकदम एक गोपालपुर है तो एक भागलपुर है और कोई ये इकट्ठा होने वाले नहीं है, चाहे पानी कितना कम हो जाए। लेकिन अब गलती से भी बीजेपी दूर से भी छूने को तैयार नहीं है जदयू। ये 7 बिहार सरकार के काले साल के तौर पर जाना जाएगा। शराबबंदी के नाम पर शराबबंदी हुई नहीं, सिर्फ होम डिलीवरी शुरू हो गई और इतिहास में इसको यही जाना जाएगा कि सरकार की तरफ से बंद थी लेकिन होम डिलीवरी मिल रही थी और अभी भी मिल रही है। अभी बिहार के अंदर भारी कंफ्यूजन है। जदयू राजद के नेता एक दूसरे से डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी की पार्टी जदयू में भी तरह तरह की चर्चा है, लेकिन इसके बीच में ये बात साफ तौर पे है कि यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं। भारी रिश्वतखोरी बढ़ गई है। जब सरकार का दबदबा कम होता है तब जनता का शोषण बढ़ जाता है। कई अधिकारी के बारे में, खासकर नौगछिया में एकाक अधिकारी के बारे में जो बातें पता लगी है वो मैं मुख्यमंत्री जी से मिला तो नहीं हूं, लेकिन पहली बार मैं मिलकर जनता के शोषण के बारे में उनको अवगत कराऊंगा। अपराध और अपराधियों का थाने में जो सब प्रवेश है वो बहुत दुखद है और इसके लिए इंडिया अलायंस जो है उसके अंदर भारी द्वंद्व है।
एनडीए अलायंस के अंदर जितने भी दल के लोग हैं वो सिर्फ इकट्ठे होकर पार्टी करते हैं और कुछ नतीजा नहीं निकलता। इतने दिन में जो अलायंस अपना संयोजक नहीं बना पाया, अलग अलग लोग पार्टी देते हैं, जैसे किट्टी पार्टी होती है, कहते हैं आज तेरे यहां खाएंगे, आज मेरे यहां खाएंगे, यही होता है और कुछ नहीं होता है। हर मीटिंग में एक न एक नेता रूठ कर चला जाता है और नीतीश कुमार जी को साथ तो बड़ा अन्याय किया कांग्रेस के नेता और टीएमसी के नेताओं ने। ये तो उम्मीद में गए थे कि अगर अलायंस उधर बनेगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी, जैसे एक व्यक्ति बहुत दिन तक डीएम हो तो कमिश्नर बनना चाहता है, एक दरोगा हो तो वो डीएसपी बनना चाहता है। नीतीश कुमार जी भी बहुत दिन से मुख्यमंत्री हैं, दूसरों की कृपा से, कभी राजद की कृपा, कभी बीजेपी की कृपा, इन पे कृपा आने लगती है। और एक बाबा थे वो कहते थे कृपा कैसे आएगी, बोले कि भाई रसगुल्ले खा लो। तो आज मुख्यमंत्री जी का ये है कि इनको किसी ने बता दिया है कि कैसे मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे, तो बोले दल बदल लो, मतलब दूसरे आदमी को दूसरे से गठबंधन कर लो। तो इनका यही है, कभी बीजेपी के गठबंधन में, कभी राजद के गठबंधन में रहकर मुख्यमंत्री लंबे काल तक हैं। तो वो इसलिए नहीं है कि 243 में वो सीट में जीत कर 125 सीट आ गए हों, हर बार अलायंस के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जाना जाएगा। हर जगह के जो मुख्यमंत्री होते हैं, अभी भजन लाल जी बने तो बहुमत के मुख्यमंत्री, अभी मोहन यादव जी बने तो बहुमत के मुख्यमंत्री, अभी साय साहब बने तो बहुमत के मुख्यमंत्री, ममता दीदी हैं तो उनको बहुमत के मुख्यमंत्री, लेकिन नीतीश बाबू जो हैं वो अलायंस के मुख्यमंत्री। लेकिन कितने दिन तक रहेंगे, बिहार के होने के नाते हम लोगों को हमदर्दी थी कि कुछ प्रमोशन होगा, कम से कम प्रधानमंत्री का तो पद खाली नहीं, कम से कम कैंडिडेट बनाने के लिए भी बहुत लोग होते हैं चुनाव में। आप देखते हैं कि हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो कई लोग निर्दलीय लड़ने आ जाते हैं, 4-5 हजार वोट आ जाता है, फिर भी कहते हैं हम कैंडिडेट हैं, घूमते हैं। आपने देखा होगा ऐसा, भागलपुर में हम कई बार लड़े तो हमारे सामने कई बड़े बड़े लोग लड़े और कई निर्दलीय भी लड़े, लेकिन जब वोट की गिनती आई तो वोट की गिनती में वो वोट नहीं आया। तो लोग ये उम्मीद में रहते हैं, लेकिन जिनकी जमानत भी जब्त होने वाली रहती है वो भी बूथ अगोड़ता है जाके और कहता है कि एकदम हम जीतिए रहे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। राजनीतिक गलियारों में आज पूरे दिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अपने राष्ट्रीय पद से इस्तीफे की खबर चलती रही। वहीं इस पर चुटकी लेते हुए भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि राजद और जदयू में अंदरूनी खटपट चल रही है, जिसका नतीजा है कि ललन सिंह के अपने पद से इस्तीफे की खबर आ रही है। भाजपा आगामी चुनाव में 40 की 40 सीट बिहार में जीतेगी।
साथ उन्होंने कहा कि जदयू को भाजपा अपने में कभी भी नहीं सटाएगी। 2024 के चुनाव में क्या परिणाम होगा, इससे पहले आपके सामने परिणाम हाजिर है कि आपस में ही द्वंद्व शुरू हो गया है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि 2024 किसका है। जदयू के अंदर अंतर द्वंद चल रहा है। ललन बाबू को मजबूर किया किन लोगों ने इस्तीफा देने को, क्या वजह है ये तो उन्हीं की पार्टी बताएगी। लेकिन ये है कि जदयू राजद में खटपट बड़ी जोर की है और इसी का नतीजा है कि अभी ललन सिंह जी का इस्तीफा हुआ है जैसी खबर आ रही है। लेकिन वहाँ कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार में एनडीए 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेगी। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के बाल गृह में 2016 से रह रहे दो बच्चों के बीच 19 दिसंबर को किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। इसी दौरान मुंगेर निवासी 2016 से बाल गृह में आवासित एक बच्चे ने धक्का दे दिया, जिससे कि 15 वर्षीय नाबालिग युवक को गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद आनन फानन में बाल गृह के सुप्रिंटेंडेंट ने इलाज के लिए घायल को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। बाल गृह के सुप्रिंटेंडेंट अमन ने बताया कि 2016 में बाल गृह में रह रहे 15 वर्षीय युवक के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें एक युवक ने धक्का दे दिया था, जिससे कि उसको गंभीर चोटें लगी थी। घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे को लीगल तरीके से 2016 से यहां पर रखा गया था, मृतक के परिजनों का पता नहीं है। 2016 से लापता युवक बाल गृह में रह रहा था। इधर मौत के बाद बाल गृह के सुप्रिंटेंडेंट पोस्टमार्टम के लिए उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद कानूनी प्रक्रिया कर अंतिम संस्कार किया जाएगा। मारपीट के क्रम में आज से 7 दिन पूर्व जोखिम हो गया, चोटिल हो गया। हमारे अधीक्षक महोदय चिकित्सा के लिए मायागंज ले गए और इलाज के क्रम में इसकी दुर्घटना। सर कहां से आया था सर ये बच्चा? सर बच्चा जो है 2016 से आवासित था। दो बच्चों में किसी बात को लेके कहाँ सुनी हुई, एक मुंगेर से जो आवासित बालक थे उसके द्वारा धक्का मुक्की किया गया तो बच्चा गिर गया, सडन फॉल कर गया, उसी में चोट लगा। तो उसके बाद हम लोग तुरंत उसको मायागंज अस्पताल में भर्ती किए 14 तारीख को। उसके बाद लगातार उसका इलाज चल रहा था। उसके बाद कल सडन खबर आया कि बच्चे का देहांत हो गया है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। अच्छा सर, ठीक ठीक जी। क्या उम्र होगी लगभग? लगभग 15 साल के आसपास। 15 साल के आसपास। आप परिवार नहीं है बच्चे? मैं सुप्रिंटेंडेंट जी। बच्चे का परिवार नहीं है? बच्चे का परिवार अभी तक ट्रेस नहीं है। 2016 से ही हमारे पास है लीगल फ्री बच्चा है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज पंचायत के वार्ड नंबर 5 में जमीन मालिक के जमीन पर गांव के दबंगों ने गलत कागज बनाकर अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में जमीन मालिक केशव भगत ने बताया कि कमरगंज पंचायत के वार्ड 5 में 150 बीघा जमीन हमारे परदादा स्वर्ग कुंज बिहारी भगत के नाम से है। उस जमीन पर गाँव के दबंग कालीचरण यादव, अकबर खान, बादशाह खान, लाल यादव, त्रिवेणी मंडल, साधु शरण पंडित, आमोद सिंह, विजय मांझी, उचित मांझी, बेजू यादव, दासू मंडल द्वारा गलत कागजात बनाकर जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए फसल लूट घर बना लिया है। इस मामले को लेकर भागलपुर न्यायालय में सर्वे के विरोध में टाइटल सूट चल रहा है, जिसमें जमीन पर दोनों पक्षों का कोई भी कार्य नहीं करने पर रोक लगाया गया है। तब भी ये लोग न्यायालय के आदेश नहीं मानते हुए जमीन को बेचकर घर बना रहे हैं और फसल को भी लूट लिया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी सुल्तानगंज थाना पुलिस को मिलने पर घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष प्रियरंजन, सीओ रवि कुमार पहुंचे और दोनों पक्षों को थाना में बुलाकर मामला को शांत कराते हुए दोनों पक्षों को जमीन पर कोई भी कार्य करने के लिए रोक लगा दिया गया है। क्या जमीन का माजरा है? जमीन का माजरा पहले आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ केशव नारायण भगत। कहाँ घर है? घर कमरगंज हुआ जी जी, और रांची में रहते हैं जी जी। आपका कितना जमीन है? हमारे यहाँ ऐसे तो हम लोगों के प्रॉपर्टी है 1600 बीघा, मगर अभी यहाँ 150 बीघा जो है कमरगंज मोजा में निकला है जमीन। जमीन किसके नाम से जमीन था? ये कुंज बिहारी भगत जो हमारे परदादा थे उनके नाम से है। उस जमीन पे क्या हो रहा है? उस जमीन पर जो है हम लोग टाइटल सूट किए थे, कुछ आपराधिक तत्व के लोग वहाँ जो है गलत गलत कागजात बनाए थे, जिसका उजागर हमने किया और उसमें न्यायालय में जो है जो सर्वे के अगेंस्ट में हम टाइटल सूट किए 2003 में।
तो उसमें उजागर हो गया कि किसी के पास कोई कागजात नहीं है, जो बेचा है उसके पास कागज नहीं है, जो जमीन खाता नंबर है आज तक ना उसके नाम से खतियान है ना कोई डीट है न कोई रसीद है। तो क्या कर जमीन पर कब्जा कर रखे और जमीन पर जो है ये लोग जोर जबरदस्ती कुछ आपराधिक तत्व के लोग बिना कागजात के जाली दस्तावेज बना के सीओ से मिल करके कागजात जो है दूसरे मोजा की जमीन दूसरे मोजा का रसीद काट करके हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है। कौन कौन लोग है जिसमें कालीचरण यादव है, बिजली यादव है, शंभू यादव है, सहदेव पंडित है, साधुचरण पंडित है, त्रिवेणी मंडल है, मतलब बहुत से लोग हैं, अमोल सिंह है, ये लोग जो है अशोक भगत है, दीपक भगत है, जमीन हमारी बेच रहे हैं खरीद रहे हैं और कहते हैं कि हम हिस्सेदार हैं, जबकि जब खरीद बिक रहे हैं टाइटल चल रहा है तो इसमें खरीद बिक्री का कोई सवाल नहीं उठता है। न्यायालय से दोनों पे रोक लगाया गया होगा? न्यायालय से अभी जो है इंजंक्शन लगा है मगर तो पर भी ये लोग जगह जमीन खरीद बिक्री कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं उस जमीन पे? उस जमीन पर अभी फसल लगा दे रहे हैं। हम लोग कमजोर आदमी हैं और हम लोग का परिवार इस सब में कभी रहता नहीं है, मारपीट में ये लोग जो है लाठी डंडा दिखाते रहता है कि मार देंगे ये कर देंगे जमीन पर नहीं आओ, और जोर जबरदस्ती जोता बुनता है, जो आज थाना के द्वारा रोक लगाने के बावजूद भी ये लोग लड़ रहे हैं कि हम बुनेंगे जोतेंगे। आपका फसल भी लूट रहा है? हमारा फसल भी लूट रहा है, मंदिर का फसल लूट। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोरिया गांव में खेत के पटवन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। घटना में एक पक्ष के चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने घायल को इलाज के लिए नाथनगर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर उनका इलाज जारी है। घायल में नाबालिग बच्चों को भी चोटें आई हैं जिसमें कि वो गंभीर रूप से घायल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक पक्ष के भोला यादव का कहना है कि यह जमीन मेरा है तो दूसरे पक्ष के पिंटू यादव का कहना है कि उसकी मां के नाम से जमीन है। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इधर घायल पिंटू यादव ने बताया कि खेत पटवन कर रहे थे, इसी दौरान चार की संख्या में आए भोला यादव, राकेश कुमार, पुतुल देवी एवं किशन यादव ने हम लोगों के साथ मारपीट की है। घटना में अमित कुमार, पिंटू यादव, अमृता देवी, लड्डू यादव गंभीर रूप से घायल है जिसको इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।